स्टैंडर्ड 8 हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं मटेरियल्स एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर नंबर 4 मटेरियल मेटल और नॉन मेटल में वो है कि धातुएं और अधातुएं क्या होती हैं और इनकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम स्टार्ट करते हैं। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ है अगर वो जगह घेरती है और उसका कोई वजन है तो उसको मैटर कहते हैं। वी कैन क्लासीफाई मैटर इंटू प्योर सब्सटेंस एलिमेंट एंड कंपाउंड एंड मिक्सचर। हम मैटर को दो चीज़ें में बांटते हैं, प्योर सब्सटेंस जिसमें दो चीज़ें आती हैं एलिमेंट और कंपाउंड, और दूसरा आता है मिक्सचर। एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय यूजुअल केमिकल मेथड लाइक अप्लाइंग हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आयरन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एटसेट्रा। एलिमेंट एक ऐसे सब्सटेंस है जिसको हम और ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में नहीं तोड़ सकते, वो सिर्फ बाय केमिकल मेथड, चाहे उसको गर्म करें, चाहे उसको लाइट दें, चाहे उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दें, हम उसको नहीं तोड़ सकते। आयरन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम इसके एग्जाम्पल है एलिमेंट्स के। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एटम। जो सबसे छोटी यूनिट होती है एलिमेंट की वो एटम है। द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द फिजिकल चेंजिंग बाय एलिमेंट। जो एलिमेंट का जो एटम होता है उसके ऊपर, एलिमेंट के ऊपर कोई भी फिजिकल चेंज का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एन एटम ऑफ द लिक्विड नाइट्रोजन इज द सेम एज द एटम ऑफ सॉलिड और गैस नाइट्रोजन। एग्जाम्पल के लिए आप चाहे लिक्विड नाइट्रोजन में देखो जो नाइट्रोजन का एटम हो की प्रॉपर्टी होगी वही आपके सॉलिड में नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी होगी, वही आपकी गैस नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के एटम के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। एलिमेंट को तीन चीज़ों में बांटा गया है, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली फर्स्ट है मेटल्स। आयरन, कॉपर, टिन, गोल्ड एंड सप्लार सम एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। इन जनरल मेटल्स आर हार्ड एंड शाइनी इन अपेयरेंस। धातुएं, धातु जो है जैसे लोहा, कॉपर, टिन, गोल्ड, ये सब एग्जाम्पल है मेटल्स के। जनरली भी मेटल्स से होते हैं बहुत कठोर होते हैं और दिखने में बहुत चमकदार होते हैं। सेकेंड, नॉन मेटल्स सल्फर, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एटसेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ द नॉन मेटल्स। इन जनरल दे आर नॉट सो हार्ड, मोस्ट ऑफ देम आर डल अपीयरेंस। नॉन मेटल्स जैसे कि सल्फर, अधातुएं जैसे कि सल्फर, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये कुछ एग्जाम्पल है नॉन मेटल के। जनरली ये जो है ये हार्ड नहीं होती है और उनको देखने पर ये चमकती भी नहीं है। मेटलॉइड, सम एलिमेंट्स हैव सर्टेन प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज तो मेटल की होती है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की होती है। दीज आर कॉल्ड मेटलॉइड्स, यानी मेटलॉइड से मिश्रित धातुएं कहते हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द सम एग्जाम्पल ऑफ मेटलॉइड्स। अकरेंस ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल मिलती कहाँ से है? गार्स क्रस्टी से मिलती है, गार्स क्रस्टी से मिलती है, नॉन मेटल धरती की जो सतह है ज्यादातर सोर्स है, मेन सोर्स है हमारे मेटल और कुछ नॉन मेटल का। ऑलमोस्ट ऑल रॉक्स कंटेन सम मेटालिक मिनरल्स, ज्यादातर सारे चट्टानों में रॉक्स में मेटल मिनरल्स होते हैं। दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वेंशनली, जिस उन मिनरल्स में से हम मेटल को क्या करते हैं निकालते हैं। दोज मटेरियल्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी कन्वर्टेड, वो मिनरल्स जिनमें से हम मेटल्स को निकालते हैं एंड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ऑरेज, उनको हम क्या बोलते हैं? जिन मिनरल्स में से हम मेटल को निकालते हैं उन्हें हम ऑरेज बोलते हैं, आईएस बोलते हैं। इन द ऑरेज सर्टेन इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट अलॉन्ग विद द मेटल्स। ऑरे में क्या होता है, कुछ इम्प्योरिटीज भी मेटल के साथ प्रेजेंट होती है। एंड मिनरल्स, दीज इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड द गैल्स, इन इम्प्योरिटीज को गैल्स बोलते हैं। इन द अर्थ क्रस्ट मेटल्स आर फाउंड इन देयर कंबाइंड स्टेट, अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें जो मेटल्स है वो कंबाइंड स्टेट में पाई जाती है एज मिनरल्स, मिनरल्स की फॉर्म में, और इन फ्री स्टेट, और फ्री स्टेट में भी पाई जाती है। अब हम ऑक्यूरेंस ऑफ द सम नॉन मेटल को टेबल 4.1 की हेल्प से समझते हैं। फर्स्ट है नॉन मेटल नाइट्रोजन, इसकी ऑक्यूरेंस क्या है, ये कैसे मिलता है? इन फ्री स्टेट इन द एटमोसफियर अबाउट 78% होता है। ये हमारी एयर में, हमारे एटमोसफियर में 78% फॉर्म की फॉर्म में होता है। इन कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड की फॉर्म में एज ए कंस्टिट्यूट ऑफ द सब मिनरल्स लाइक पोटेशियम नाइट्रेट, और एक कंस्टिट्यूट की फॉर्म में होता है जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्म में। दूसरा है हाइड्रोजन, मोस्ट एविडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला यूनिवर्स में एलिमेंट है। फाउंड इन द सन एंड द स्टार्स, ये सूरज और स्टार्स में पाया जाता है। ऑन द अर्थ अकर्स एज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ वाटर, धरती के ऊपर एक पानी की कंस्टिट्यूएंट में पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल की फॉर्म में मिलता है। थर्ड है ऑक्सीजन, इन द फ्री स्टेट इन द एटमोसफेयर 21% ऑफ द एयर, इन कंबाइंड स्टेट इन वाटर, मोस्ट एविडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज द ऑक्साइड एंड कार्बोनेट ऑफ द मेटल। ऑक्सीजन जो है फ्री स्टेट में एटमोसफेयर में 21% ऑफ द एयर में रहता है और कंबाइंड स्टेट में पानी में, और मोस्ट एविडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, ये धरती के ऊपर पाया जाने वाला
मोस्ट एब्यूरेंट एलिमेंट है एंड एंड फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट, एक कंबाइंड स्टेट में पाया जाने वाला सच द ऑक्साइड एंड कार्बोनेट ऑफ मेटल्स, जैसे ऑक्साइड और कार्बोनेट की फॉर्म में मिलता है वे कार्बन। इन फ्री स्टेट एज ग्रेफाइट कोल एंड डायमंड, फ्री स्टेट में जो कार्बन होता है वो ग्रेफाइट कोल और डायमंड में मिलता है। इन कंबाइंड स्टेट इन द एटमोसफियर, और कंबाइंड स्टेट में एटमोसफियर में CO2 की फॉर्म में मिलता है। इन अर्थ क्रस्ट एज द कार्बोनेट ऑफ द मेटल, और धरती की सतह पर ही मेटल की कार्बोनेट के रूप में मिलता है। सल्फर इट अकर्स इन द फ्री स्टेट इन द अर्थ क्रस्ट, ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला फ्री स्टेट में धरती की क्रस्ट के ऊपर पाया जाने वाला। इन कंबाइंड स्टेट इट इज फाउंड एज द मेटल सल्फेट एंड सल्फाइट, और कंबाइंड स्टेट में ये मेटल सल्फेट और सल्फाइट के रूप में पाया जाता है। द ऑक्यूरेंस ऑफ द मेटल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मेटल एंड देयर रिएक्टिविटी, कोई मेटल किस तरह से हमको मिलती है या किस तरह से उसकी उपलब्ध होती है वो उसकी रिएक्टिविटी के ऊपर, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल आयरन कॉपर एटसेट्रा फाउंड इन कंबाइंड स्टेट एंड गोल्ड प्लेटिनम एटसेट्रा, एग्जाम्पल के लिए आयरन और जो कॉपर है वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, गोल्ड और प्लेटिनम जो है ये आर फाउंड इन फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ए फ्यू मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम आर ऑल्सो फाउंड इन सी वाटर, कुछ मेटल जैसे कि सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ये समुद्र के पानी में भी पाए जाते हैं। नॉन मेटल एग्जिस्ट इन द अर्थ क्रस्ट इन कंबाइंड स्टेट, नॉन मेटल जो होती है वो धरती की सतह पर कंबाइंड स्टेट में पाई जाती है, जैसे कि ऑक्साइड कार्बोनेट फॉस्फेट इन सब में। सम नॉन मेटल एग्जिस्ट इन फ्री एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट, कुछ नॉन मेटल जो होती हैं जो फ्री स्टेट में भी पाई जाती है कंबाइंड स्टेट में भी पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन अकर इन द फ्री स्टेट इन द एटमोसफेयर, जैसे कि ऑक्सीजन की बात करें तो एटमोसफेयर में गैस की फॉर्म में फ्री स्टेट में होती है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट इन वाटर, कंबाइंड स्टेट में पानी में प्रेजेंट होती है H2O जिसमें ऑक्सीजन होती है। नोबल गैसेज एक्सिस्ट ओनली इन फ्री स्टेट, जो नोबल गैसेज होती है वो खाली फ्री स्टेट में रहती है। आयोडीन इज ए नॉन मेटल फाउंड इन सी वाटर, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो समुद्र के पानी में होता है। द सीरीज ऑफ द प्रोसेस कैरिड आउट टू एक्सट्रैक्ट प्योर मेटल फ्रॉम देयर ओर इज कॉल्ड द मेटलर्जी, वो प्रोसेस जिसमें प्योर मेटल को ओरे में से अलग किया जाता है उसको मेटलर्जी बोलते हैं। सम इम्पोर्टेंट ओरे आर, कुछ इंपॉर्टेंट ओरेज होते हैं बॉक्साइट Al2O3 2H2O, आयरन फ्राइट Fe S2, हेमेटाइट Fe2O3 2H2O एंड कॉपर ग्लांस Cu2S। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल को अलग करती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे।